रेलवे विभाग ने धान की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवाकर पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। रेलवे विभाग द्वारा जिसकी कोई सूचना किसी को भी लिखित या मौखित नहीं दी गई थी। ये मामला मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र खटीमा के चकरपुर ग्राम पंचायत का है, जहां रेलवे विभाग द्वारा बिना किसी सूचना के ग्रामीणों की धान की खड़ी फसल को ट्रैक्टर चलवाकर उजाड़ दिया गया। आपको बता दें कि चकरपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में रेलवे लाइन के किनारे लगभग 200 परिवार बेस हैं, जिन्होंने धान की फसल लगा रखी है, जिसे रेलवे ने ट्रैक्टर चलवाकर कुचल दिया। ना तो रेलवे विभाग द्वारा ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान को सूचना दी गई, ना ही क्षेत्र पंचायत सदस्य को और ना ही आम जन को किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि हम यहां पर 30-35 सालों से काबिज हैं, रेलवे विभाग द्वारा हमारी खड़ी फसल को रौंद दिया गया है, जबकि हमने कभी भी अधिकार जमा कर रेलवे के किसी कार्य में बाधा नहीं डाली है, हमेशा रेलवे विभाग का सहयोग किया है। उसके बावजूद रेलवे ने बिना सूचना हमारी फसल खराब कर दी। अगर हमें ये सूचना दी होती कि आप फसलें ना लगाएं, हमारी भूमि है, तो हम अपना हजारों रुपए खर्च इस भूमि पर नहीं लगाते। अब इस मुद्दे पर मीडिया में रेलवे विभाग के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विक्रम प्रसाद मौके पर पहुंचे और जानना चाहा तो अधिकारी बिना कुछ बताए अपनी फोर्स को लेकर गायब हो गए। महिलाएं खड़ी फसल को उजड़ा देखकर खेतों में बैठकर रोने को मजबूर हैं और जवाब देने वाला कोई नहीं है। रेलवे प्रशासन ने ग्राम प्रधानों किसी भी तरीके से कोई सूचना नहीं दी, बल्कि कोई सूचना अगर देते तो हम अपने ग्राम सभा में जाके उनके सामने बात रखते कि रेलवे प्रशासन द्वारा हमें सूचना मिली है कि आप लोग जो भी खेती वैसी कर रहे हैं उसको ना करें, इसकी सूचना नहीं दी और सीधे गांव में आके खेतों को जो है कि नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपना यंत्रों से ट्रैक्टर से पूरे खेत जो है कि फसलें नष्ट कर दी गई है। हमें किसी ने नहीं बताया था रेलवे से, हमें ऐसे फसल मत लगाओ, हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा था, अचानक ही आया, ये बिगाड़ के गए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।